राजधानी लखनऊ में एक और जहां चिलचिलाती धूप पड़ रही है तो वहीं चिलचिलाती धूप और हीट वेव में भी हजरतगंज चौराहे पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। बता दें ना ही इस चौराहे पर खड़े ट्रैफिक कर्मी को प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया कराई गई और ना ही इनके पास हेलमेट है और ना ही छाता देखने वाली बात है। यह है कि यह लखनऊ का सबसे वीआईपी चौराहा माना जाता है। जब वीआईपी चौराहे का ये आलम है तो बाकी लखनऊ की ओर सिग्नल का क्या हाल होगा? राजधानी लखनऊ इस समय भीषण गर्मी से जूझ रहा है। चिलचिलाती हुई धूप हो रही है, दिन के तकरीबन 1:30 बज रहे हैं और इस समय हम हजरतगंज चौराहे पर खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस है उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण काम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजरतगंज सिग्नल है, जहाँ पर सारे वीआईपीज ऑफिस हैं, बगल में ही सीएम ऑफिस है, राज्यपाल का ऑफिस है, तो हर समय वीआईपी का आना जाना लगा रहता है और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस का चिलचिलाती धूप में ड्यूटी करना एक बहुत ही कठिन काम है। आप देख सकते हैं सामने जो ट्रैफिक कर्मी है वो मौजूद हैं और बाखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं इस गर्मी के मौसम में भी, और अभी तक नगर निगम से कोई भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं, ना तो पानी की व्यवस्था। यहाँ पर मुख्य चौराहे पर हजरतगंज का मेन चौराहा है जहाँ पर नगर निगम दावे तो करता है कि हमने प्याऊ जल लगाए हैं और वाटर कूलर लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। दूर दूर तक प्याऊ जल नहीं है, वाटर नहीं है और इसी चिलचिलाती हुई धूप में जो ट्रैफिक कर्मी है वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हम इनसे बातचीत एक बार करना चाहेंगे। भैया, नगर निगम द्वारा कोई पानी की व्यवस्था नहीं की गई अभी तक? पानी की व्यवस्था है, गर्मी की व्यवस्था है। अच्छा, तो इनका कहना है कि पानी की व्यवस्था है लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कैमरामैन आदित्य के साथ रेहान वारसी, एमके न्यूज़ लखनऊ।